वेलकम फ्रेंड्स, अगर आपको स्लिप डिस्क या शियाटिका है और आपको पैरों में दर्द होता है या सुन्नपन है तो आप जरूर यह चिंतित होंगे कि कहीं नर्व डैमेज की वजह से आपके पैरों में कमजोरी तो नहीं आ रही है। और आपका यह जानना भी जरूरी है कि कहीं परमानेंट नर्व डैमेज की वजह से आपके पैर कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परमानेंट नर्व डैमेज अगर हो जाए और उसमें पैरों में कमजोरी अगर काफ़ी समय तक रह जाए तो फिर ये आगे चल के ठीक होना मुश्किल होता है। इवन सर्जरी के बाद भी ये ठीक होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद कैसे अपने घर पे अपने पैरों में होने वाले नर्व डैमेज या पैरों में होने वाली वीकनेस को चेक कर सकते हैं। चूँकि हमारी स्लिप डिस्क ज़्यादातर L3, L4, L5 और L5S1 लेवल पर होती है, इसलिए जो हमारी नर्व जो इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है वो होती है L4, L5 और S1। तो इसलिए हम यहाँ पर L4, L5, S1 नर्व का टेस्ट करेंगे, यानी L4, L5 और S1 नर्व से होने वाले डैमेज, मसल डैमेज या मसल वीकनेस को हम इसमें टेस्ट करना सीखेंगे। मसल टेस्टिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो उसकी मोटर चेक यानी उसकी पावर चेक की जाती है मसल्स की, और दूसरा सेंसरी चेक यानी उसमें सेंसेशन चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम मोटर पावर सीखेंगे और उसके बाद फिर सेंसरी एग्जामिनेशन सीखेंगे। इस वीडियो में इस नर्व टेस्टिंग के एग्जामिनेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से बताया गया है, यानी कि इसको मेडिकल लैंग्वेज में बहुत एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसमें इस तरह से बताया गया है कि आप घर पे ही बड़े आराम से इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर विवेक सरकार और आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जो काउंटिंग होती है वो नीचे से होती है, ये हमारी सैक्रम वर्टिब्रा है और ये, और इसके ऊपर पहली वाली L5, फिर L4, फिर L3, फिर L2, इस तरह से इसको काउंट करते हैं नीचे से ऊपर की ओर। और हमारी जैसे L5S1 के बीच में जो डिस्क है उसको L5S1 डिस्क बोलेंगे, L4L5 के बीच में जो डिस्क है उसको L4L5 डिस्क बोलेंगे, और L3L4 के बीच में L4 डिस्क बोलेंगे। तो इस तरह से हम डिस्क को काउंटिंग करते हैं। अभी देखिए, अगर हमारी L5S1 डिस्क इन्वॉल्व होती है, यानी कि ये वाली L5S1 डिस्क, तो हमारी S1 नर्व अफेक्ट होगी, और अगर L4L5 डिस्क इन्वॉल्व होती है तो हमारी L5 नर्व अफेक्ट होगी। अगर हमारी L3L4 डिस्क इन्वॉल्व होती है तो हमारी L4 नर्व अफेक्ट होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोअर लेवल होगा, यानी जैसे L3L4 डिस्क है तो L4 यानी कि जो लोअर लेवल है, तो लोअर लेवल L4 है तो L4 नर्व आपके इन्वॉल्व होगा। ऐसे L4L5 में L5 नर्व इन्वॉल्व होगी और L5S1 में S1 नर्व इन्वॉल्व होगी। तो चूंकि ज़्यादातर स्लिप डिस्क यानी 99% स्लिप डिस्क हमारी L3L4, L4L5 और L5S1 लेवल की डिस्क स्लिप होती है, इसलिए हमारी जो ज्यादातर जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है वो L4, L5 और S1 नर्व का होता है। तो इसलिए यहां पर जो हम एग्जामिनेशन सीखेंगे वो हम L4 नर्व, L5 नर्व और S1 नर्व का मोटर एग्जामिनेशन और सेंसरी एग्जामिनेशन सीखेंगे, यानी उसकी वीकनेस को टेस्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले पैर को एक फर्म सरफेस पे इस तरह से फ्लैट रख लें, और सबसे पहले हम L4 नर्व की टेस्टिंग करेंगे। L4 नर्व हमारे एंकल का डॉर्सिफ्लेक्शन करती है, ये एंकल जॉइंट का डॉर्सिफ्लेक्शन करती है। डॉर्सिफ्लेक्शन का मतलब होता है ये, तो हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। ऊपर उठाते समय ये ध्यान रहे कि एड़ी छोड़ के और बाकी सारी चीज़ें, यानी कि पैर का पंजा और ये दोनों ऊपर उठ जाना चाहिए। ऐसा अगर हम ऊपर ये उठा लेते हैं तो फिर L4 नर्व ठीक है। अब L4 नर्व की पावर को टेस्ट करेंगे, यानी उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे, यानी जो एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन है हमारा उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे। तो उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये कहिए कि
कोई दूसरा व्यक्ति आपके पंजे को पकड़ ले और आप उस फोर्स के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इसको उठाएं। और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों पैरों को रख के और दोनों को एक साथ पकड़ के और उसके बाद फिर उठा के देखें कि किसमें ज़्यादा पावर है किसमें कम पावर है। एक तरीका ये है कि आपको दूसरे से पकड़वाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति नहीं है साथ में तो आप खुद एक ब्लंट ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसको यहाँ पर रखिए, यहाँ बीच में, और उसके बाद उसकी ताकत से नीचे रोकिए और अपने पंजे की ताकत से पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप एक निश्चित ताकत के बाद खुद उठा ले रहे हैं उसको तो फिर पावर सही है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट पावर टेस्ट करने के लिए इसको आप दूसरे पैर से कंपेयर भी कर सकते हैं, यानी जिसमें आपको शियाटिका स्लिप डिस्क है उसमें टेस्ट करिए और अपने नॉर्मल पैर दूसरे पैर में भी टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे आप कंपेयर भी कर सकते हैं खुद ही। ये एड़ी आपके लगी रहनी चाहिए, बाकी पैर आपका उठ जाना चाहिए और आप एक मॉडरेट प्रेशर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से नीचे देंगे और पैर को ऊपर की ओर खींचेंगे। ये एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन वीक हो जाने पर एक और समस्या आती है ऐसे लोगों को, यानी कि जब पंजा ऊपर नहीं जाता तो वो चलते समय पैर को घिसा के चलते हैं, यानी पैर को जमीन पर घिसा के चलते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी हम चलते हैं तो पहले एड़ी रखते हैं और फिर उसके बाद पंजा रखते हैं, तो यानी हमारा चलते समय एड़ी और पंजा इस तरह से जमीन पर आता है, फिर नॉर्मली हम दूसरा पैर रखते हैं, फिर ऐसे इस तरह से। तो अगर आपका एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है तो यूजली हम पैर रखते समय उसको हमारा पहले पैर के टोज टच करेंगे और घिसराते हुए किसी तरह उसको ऐसे पंजे को रखेंगे, यानी अगर एल फोर डैमेज है तो चलते समय आदमी इस तरह से ग्राउंड को कैच करेगा, ना कि इस तरह से, क्योंकि वो ये नहीं कर सकता, ये वीक हो जाता है, इस वजह से वो ऐसे चलना शुरू करता है। तो ये एक दूसरा साइन है जो इंडिकेट करता है एल फोर नर्व के डैमेज। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप देख सकते हैं कि एल फोर नर्व डैमेज हुई है नहीं। आप अपने दोनों पैरों से एड़ी के बल चलकर देखें, कोशिश करें दोनों पैरों से एड़ी के बल चलना। तो अगर आप दोनों पैरों से एड़ी के बल चलने की कोशिश करेंगे तो जिस पैर में एल फोर की वीकनेस होगी उस पैर में आपका एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी एक पैर से तो आप ऐसे चल लेंगे पर दूसरा पैर ऊपर नहीं जाएगा। तो एक ये तरीका है कि एड़ी के बल चल के भी देखा जा सकता है, अगर आप एड़ी के बल चलते हैं तो आप एड़ी के बल नहीं चल पाएंगे। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप एल फोर नर्व की मसल पावर टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एल फाइव नर्व की मसल पावर कैसे टेस्ट करेंगे। एल फाइव नर्व टिबियलिस एंटीरियर नाम की मसल को सप्लाई करती है जो पैर के अंगूठे में जिसकी सप्लाई होती है, यानी वो पैर के अंगूठे को ऊपर उठाने का काम करती है, पैर के पंजे को। उसको टेस्ट हम इस तरह से करेंगे कि हम पैर की उंगलियों को ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कर ले रहे हैं तो यानी हमारी टिबियलिस एंटीरियर की सप्लाई सही है, यानी हमारी एल फाइव नर्व रूट इंटैक्ट इस तरह से। हाँ, ये ध्यान रहे कि ऐसे नहीं करना है, पंजा नहीं उठाना है, पूरे पंजे को पूरा करना है सिर्फ इस तरह से। तो इस तरह से हम एल फाइव नर्व रूट को चेक करते हैं। अब अगर एल फाइव नर्व रूट की पावर हमें चेक करनी है, यानी कितनी स्ट्रेंथ है, तो अगर हमें खुद चेक करना है तो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से पैर के अंगूठे के ऊपर दबाएंगे, नीचे की ओर प्रेशर डालेंगे और अंगूठे से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से, और इससे उसकी पावर चेक करेंगे। इसी तरीके से हम इसको दोनों पैरों में कंपेयर कर सकते हैं, यानी दूसरे पैर से। दूसरे पैर से भी कंपेयर कर सकते हैं। पर ये ध्यान रहे कि पूरा पंजा ऐसे नहीं उठाना है, सिर्फ
उंगलियों को उठाना है। और जो तीसरा एक तरीका मैंने बताया कि आप किसी और से कहिए कि वो इसको नीचे दबा के रखे और आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसको ऊपर उठाइए। तो इस तरह से आप L5 नर्व की मसल पावर को चेक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि S1 नर्व रूट की पावर को कैसे चेक करते हैं। S1 का जो फंक्शन है वो पंजे को नीचे ले जाना, यानी प्लांटर फ्लेक्शन, एंकल पे प्लांटर फ्लेक्शन करना है। ये S1 का फंक्शन है। इसलिए S1 के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम अपने एंकल को ऊपर उठाएंगे और अपने आगे के पंजों को जमीन पर टिका रहने देंगे। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो S1 नर्व रूट ठीक है। इसके अलावा S1 नर्व रूट इंजरी में आप अपने अगले उंगलियों के बल पर, यानी टोज वॉकिंग करके चेक करें उसको, तो आप टोज वॉकिंग भी नहीं कर पाएंगे अगर आपका S1 नर्व रूट डैमेज है। तो इस तरह से एक और तरीका है S1 नर्व रूट को चेक करने का। तो मसल पावर के एग्जामिनेशन के बाद अगला पार्ट है सेंसरी एग्जामिनेशन का, यानी आप अपने अफेक्टेड लिम में सेंसेशन कैसे चेक करेंगे। तो सेंसेशन हमेशा दोनों लिम में कंपेयर करके चेक करना चाहिए, यानी एक लिम में से और दूसरे लिम में। तो आप किसी और से कह सकते हैं इसको चेक करने के लिए, और आप अपनी आंखें बंद करके चेक कर सकते हैं, या आप अगर खुद अकेले चेक करना चाहते हैं तो इस पार्ट में दिखाया जाएगा कि कौन से पार्ट में किस नर्व रूट की सेंसेशन की सप्लाई होती है। थोड़ा बहुत सेंसेशन लास्ट स्लिप डिस्क के मरीज को होता है अगर सिर्फ सेंसेशन लॉस है, लेकिन अगर सेंसेशन लॉस के साथ साथ उसको मोटर पावर सप्लाई भी वीक है तो फिर ये घबराने वाली बात है। तो इसलिए आइए चलिए देखते हैं कि सेंसेशन लॉस कैसे चेक करेंगे। तो सेंसेशन के लिए सबसे पहले एरिया जान लेते हैं। तो सबसे पहले यानी L4 जो एरिया है वो L4 एरिया ये होता है, यानी पैर के अंदर की तरफ और जो अंगूठे तक जाता है, पैर के अंगूठे तक लेके, यानी पैर के अंदर की तरफ और पैर के अंगूठे तक, ये वाला एरिया, ये L4 का एरिया होता है। और L5 का एरिया जो है वो ये बाहर की तरफ है, निश्चिन से मिडिल पार्ट से बाहर की तरफ होते हुए ये तीन उंगलियों तक आता है, इधर अंगूठा और इधर ये उंगली छूट जाएगी, बीच की तीन उंगलियां। तो ये L5 का एरिया है सेंसेशन का। और S1 का एरिया सबसे जो आखिरी वाली उंगली है उसका है, ये यहाँ पर देखिए, ये S1 का एरिया। यही एरिया ऐसे ही पीछे की तरफ चले जाते हैं L5 और S1 का एरिया। तो इन्हीं एरियाज पे आप छू के उनके जो नर्व रूट है उनके सेंसेशन का पता लगा सकते हैं। खुद आंख बंद करके छू के भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई और व्यक्ति किसी बहुत ही हल्की चीज से दोनों तरफ एक साथ छुए और आप आंखें बंद करके उसको महसूस करें कि किस तरफ आपको ज्यादा पता चल रहा है और किस तरफ कम पता चल रहा है, या किस तरफ बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। इस तरह की चीजें आप जब करेंगे इस तरह से तो आपको सेंसेशन का बेहतर अंदाजा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीनिंग करने के लिए, यानी घर पे आप कैसे अपना नर्व डैमेज चेक कर सकते हैं वो समझाया गया है। कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत बड़ा होता है जो तीन पार्ट में किया जाता है, यानी मोटर, सेंसरी और रिफ्लेक्सेस के, उसमें पर आपको इस वीडियो में स्क्रीनिंग पर्पस से बताया गया है, यानी कि आप कैसे आप अपना L4, L5 और S1 नर्व रूट की स्क्रीनिंग कर सकते हैं।